समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज फिरोजाबाद के शिकोहाबाद डॉक्टर सुकेश यादव के यहां पहुंचे। अखिलेश यादव ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि सरकार के लोग हैं जिन्होंने हमेशा दबाया है लोगों को, भेदभाव की राजनीति और नफरत की राजनीति है। बहुत से समाज के जैसे लोग, पिछड़े लोग, आदिवासी लोग हैं जिन्हें संविधान से जो अधिकार है उन्हें नहीं दिए हैं। इस सरकार को यह बताना चाहिए कि देश में जो वाइस चांसलर बने हैं, जो खासकर यूपी में कितने वाइस चांसलर पिछड़ी और दलित के हैं, जो सेकंड यूनिवर्सिटी उनमें कितने हैं। ये लोग भागीदारी की बात है, बिना जाति जनगणना की भागीदारी कैसे हो सकती है? यह लोग कह सकते हैं कि कैसे हो सकती है, यह सरकार से हट जाए 3 महीने के अंदर जातिगत जनगणना। समाजवादी लोग तो बताएगा यह वह लोग हैं जो जातिगत जनगणना नहीं चाहते, जो अधिकार नहीं देना चाहते हैं, जो हक नहीं देना चाहते, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में जो अधिकार दिए हैं वह देना नहीं चाहती, और जहां तक कुछ हजारों साल पुराने हैं, ना उनका सवाल पहले उनका मिला था और ना अब मिलेगा। मेरा बेटा होगा तो वह उसी जाति का होगा, मैं जन्म से नहीं कर सकता। यह वह लोग हैं जिन्होंने जाति व्यवस्था बनाई है। वही जीडीपी के बारे में कहा, योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है के अगर जरूरत पड़ेगी, रामचरित मानस पे भी कहा है कि उसमें सदन में जवाब देंगे और तमाम मुद्दों पे बात की। जी मुझे उम्मीद है कि जो सरकार के लोग हैं जिन्होंने हमेशा दबाया है लोगों को और भेदभाव की राजनीति की है, नफरत की राजनीति की है, बहुत से समाज के ऐसे लोग हैं, पिछड़े और दलित आदिवासी, जिन्हें संविधान से जो अधिकार हैं वो अधिकार नहीं दिए इन्होंने। इस सरकार को यह बताना चाहिए कि देश में जो वाइस चांसलर बने हैं और खासकर यूपी में कितने वाइस चांसलर हैं पिछड़े और दलित के, या जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उसमें कितने हैं ये लोग, और जो भागीदारी की बात है, बिना जाति जनगणना के भागीदारी कैसे संभव है। ये जो लोग कहते हैं कि जाति जनगणना नहीं हो सकती है, सरकार से हट जाए 3 महीने में अगर जाति जनगणना ना करके दिखाए समाजवादी लोग, तो बताइएगा। ये वो लोग हैं जो जाति जनगणना नहीं चाहते, जो अधिकार नहीं देना चाहते, जो हक नहीं देना चाहते, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान में व्यवस्था दी है उसके तहत सम्मान मिलना चाहिए वो देना नहीं चाहती है, वो ना कर करके। और जहां तक सवाल कुछ हजारों साल पुराने हैं, न हजारों साल पहले जवाब मिला था उनका, न हजार साल बाद जवाब मिलेगा। अगर मेरा भी बेटा होगा तो वही जाति का होगा जिस जाति में वो जन्म लेगा, मैं जन्म तय नहीं कर सकता हूं। और जहां तक जातियों का है, ये वही लोग हैं जिन्होंने जाति व्यवस्था बनाई है, ये वो लोग नहीं है जो जाति मिटाना चाहते हैं, ये जाति व्यवस्था को बढ़ावा देना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। देश की जो जीडीपी के बारे में कहा कि जीडीपी उत्तर प्रदेश से ही, ये योगी जी हैं, मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने 6 साल में जीडीपी को बर्बाद कर दिया हो, जीडीपी नीचे चली गई हो। जीडीपी का मतलब क्या है? जिन्हें जीडीपी का मतलब नहीं पता है उनसे जीडीपी क्यों पूछोगे? जो लोग इन्वेस्टमेंट की बात करते थे उन्होंने उत्तर प्रदेश से कंपनियां भगाई हैं, जिन लोगों ने 5 लाख करोड़ का एमओयू किया, जमीन पे कुछ नहीं उतारा, वो फिर एमओयू करने जा रहे हैं, और जो उद्योगपति आ रहे हैं वो केवल उत्तर प्रदेश में एमओयू नहीं कर रहे हैं, अगर इन्वेस्टमेंट मीट बंगाल में होगी तो वहां एमओयू करेंगे, मध्य प्रदेश में एमओयू का कार्यक्रम हुआ था वहां एमओयू किए इन्होंने, गुजरात में इन्वेस्टमेंट मीट होगी तो वहां एमओयू करेंगे, महाराष्ट्र में इन्वेस्टमेंट की मीट होगी तो वहां एमओयू करेंगे। सवाल यह है कि इनकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है? एक एक इंडस्ट्री जिससे देने के लिए, इन पर वेतन देने के लिए बजट में पैसा नहीं, तो इनसे उम्मीद करोगे कोई इंसेंटिव देंगे इंडस्ट्री हाउसेस को? और फिर उदाहरण उत्तराखंड का है, जहां इंडस्ट्री बंद हो गई क्योंकि इंसेंटिव बंद हो गए तो इंडस्ट्री बंद हो गई। रायवली अमेठी का उदाहरण है, जगदीशपुर उदाहरण है, जहां पर इंसेंटिव मिला तो इंडस्ट्री चली, इंसेंटिव बंद हो गया तो इंडस्ट्री बंद हो गई। एक्सप्रेसवे का जाल फैल रहा है बता रहे हैं, उनसे ये कहिए गंगा एक्सप्रेसवे बनवाएं, पता लगा जो कंपनी डूबी है उसमें पैसा ना हो एक्सप्रेसवे बनाने के लिए।